नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। क्या सोनिया गांधी ने की थी तरुण तेजपाल की मदद? जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि साल 2004 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को एक खत लिखा और इस खत में तहलका की फाइनेंशियल प्राइवेट कंपनी फर्स्ट ग्लोबल के खिलाफ जारी जांच को लेकर निर्देश दिए गए। उस समय तहलका के संपादक तरुण तेजपाल थे, जो फिलहाल रेप के मामले में जमानत पर बाहर हैं। पत्र से हितों के टकराव का मामला सामने आ रहा है। सोनिया चिदम्बरम को पत्र लिखने के 4 दिन बाद यूपीए सरकार ने मंत्रियों के समूह का गठन किया और पत्र के 6 दिन बाद फर्स्ट ग्लोबल के खिलाफ जांच हटा ली गई। प्राइवेट कंपनी फर्स्ट ग्लोबल के प्रमोटर्स शंकर शर्मा और देवीना मेहरा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिसके जवाब में सोनिया ने चिदम्बरम को पत्र लिखा। इसके अगले दिन चिदम्बरम ने ईडी और सीबीडीटी के प्रमुखों को उनसे मिलने के लिए कहा। तहलका की कार्यशैली को लेकर प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा था। एनडीए सरकार ने तहलका की कार्यशैली की जांच के आदेश दिए थे। खुलासे के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि ईडी को मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, ताकि ये मामला तार्किक अंजाम तक पहुंच सके। पी चिदम्बरम ने माना है कि पत्र में उनकी टिप्पणियां सही है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे सोनिया गांधी द्वारा लिखित एक पत्र में प्रति दिखाई गई, जिसमें फर्स्ट ग्लोबल के लेटर को आगे बढ़ाया गया। पत्र पर मेरी टिप्पणियां सही हैं। मुझे यकीन है कि मंत्रालय की तरफ से मैंने जो भी मटेरियल रहा होगा, उसी आधार पर उत्तर दिया होगा। सोनिया गांधी के पत्र और मेरे उत्तर को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। डेली डायरी की रिपोर्ट।